लोग मुश्किल हालातों में भी बहुत अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं। इसका अंदाजा आपको सुखी लाल जायसवाल की कहानी जानकर लग जाएगा। सुखी लाल जायसवाल एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने ही खुद के बिजनेस की शुरुआत की और यह बिजनेस है सांभर बड़ा बेचने का। यह कार्य वो पूरी शिद्दत से करते हैं। उनके पिता गांव में मजदूरी करते हैं। उनकी पढ़ने की इच्छा थी लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने सूरत में नौकरी की और सूरत में नौकरी करने के दौरान ही उनको यह आइडिया आया कि क्यों ना अपने शहर के लोगों को सांभर बड़ा खिलाया जाए। आज वो रीवा के न्यू बस स्टैंड में सांभर बड़ा जय माता दी सांभर बड़ा नाम के स्टॉल लगाए हुए हैं जहां लोग काफी सांभर बड़ा को पसंद कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हमने देखा कि लगभग खाने पीने की सभी चीजों की स्टॉल लगी हुई है, ऐसे में हमने सांभर बड़ा को ही चुना क्योंकि ये एक तरह से हेल्दी भी होता है और इससे इंसान को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। ऐसे में इनका व्यापार अब इनका बिजनेस जो है चल निकला है। लोग इनके यहाँ काफी संख्या में पहुंचते हैं और इनके यहाँ मिलने वाले सांभर बड़ा और इडली का लुफ्त उठाते हैं, जिनमें कामगार भी होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग भी होते हैं। और अब इससे सुखीलाल जायसवाल की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया है और इससे खाली होकर वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं। सुबह 3 बजे उठकर वो इस कार्य में जुट जाते हैं और 12 बजे तक लोगों को सांभर बड़ा खिलाकर फिर वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने घर पहुंचते हैं और फिर वो पढ़ाई करने लगते हैं। साथ में सुखीलाल ने बताया कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं और अब वो अपने घर में भी पैसे दे देते हैं और अब उन्हें काफी बचत होने लगी है। महीने में वो 40,000 रुपए तक कमा लेते हैं। सुखीलाल जायसवाल गोदरी सिंह प्रसाद महूगंज जी, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ? गांव में। आपकी पढ़ाई क्या चल रही है? भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट जी? ये आपने कहाँ से सीखा? मैं काम किया हूँ। कहाँ? अरे यहाँ सूरत में, सूरत साइड। सूरत साइड? कब गए सूरत? 1 साल पहले गया था। ऐसे मिस्त्री मैंने ये बनाता है, मैं नहीं बनाता हूँ, मुझे बराबर नहीं आता है बनाता है। पूरा मैनेजमेंट करते हैं? मैं बस मैनेजमेंट करता हूँ, मैं सर्व करता हूँ, बस हो गया। कैसा पसंद कर रहे हैं? अभी तो रिव्यू ठीक ही आ रहा है धीरे धीरे। कैसे बनता है, कितना टाइम लगता है? इडली बनाने में 15 मिनट लगता है और बड़ा को बनाने में, बड़ा को छान के सामान में डाल देता हूँ, वो फूल जाता है, बन जाता है। सुबह से लेकर कितने बजे तक जगते हैं आप? सुबह 3 बजे जगता हूँ, 12 बजे तक रहता हूँ, 12 दिन तक रहता हूँ। सुबह 3 बजे जगते हैं जी? 12 बजे तक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जाता हूँ तो 1-2 घंटे आराम करता हूँ, कुछ घर में पढ़ता हूँ, तैयारी आई करता हूँ सरकारी जॉब की। सरकारी जी? कहे की SSC वगैरह करता हूँ। SSC की? अरे कुछ काम नहीं मिल रहा था तो काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे जॉब अच्छी मिल रही थी, यहाँ पे जॉब मिल रही थी तो 5-6 हज़ार की, तो उसमें कुछ होता ही नहीं, बाहर जाना पड़ता तो घर से बाहर हो जाती, दूर हो जाती। यहाँ दूर पास में हो तो घर जाना होता है, पहुँच जाता हूँ घर 1-2 घंटे में।